शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर की सभी बाउंड्री की निशानदेही मंदिर प्रबंधन अगले सप्ताह करवाने जा रहा है। इस निशानदेही में सभी प्रतिवादियों को भी बुलाया जाएगा और नायब तहसीलदार व राजस्व विभाग की टीम द्वारा सारी भूमि की निशानदेही करवाई जाएगी। इस निशानदेही में गोरख डिब्बी व मंदिर प्रबंधन के बीच अधिग्रहण को लेकर उपजा विवाद भी सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। निशानदेही होने पर ही अज्ञात हो पाएगा कि गोरख डिब्बी ने जो नव निर्माण किया है, क्या वह उन्होंने अपनी भूमि पर किया है या मंदिर ज्वालामुखी की भूमि पर। काफी लंबे समय से यह विवाद सुर्खियों में है और अगले सप्ताह निशानदेही के बाद इस मामले में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। गौरतलब है कि गोरख डिब्बी द्वारा 3 मंजिला भवन का नव निर्माण करवाया जा रहा है, जिसको लेकर मंदिर ट्रस्ट पुजारी वर्ग व विधायक रमेश धवाला ने कड़ा ऐतराज जताया था। इसके बाद निशानदेही की तारीख तय की गई, पर गोरख डिब्बी प्रबंधन द्वारा स्वास्थ्य संबंधी पत्र प्रस्तुत कर निशानदेही को आगे बढ़ा दिया गया। अब इस निशानदेही के लिए अगले सप्ताह या शनिवार के दिन सुनिश्चित किए गए हैं। इस बारे में मंदिर अधिकारी व तहसीलदार जगदीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्माण वैध है या अवैध, ये तो निशानदेही के बाद ही पता चलेगा। मंदिर प्रबंधन अगले सप्ताह गोरख डिब्बी के साथ लगती भूमि ही नहीं अपितु मंदिर ज्वालामुखी के संरक्षण में सभी भूमि की बाउंड्री की निशानदेही करवाएगा और साथ लगते सभी प्रतिवादियों को भी बुलाया जाएगा। अवैध है या ट्रस्ट की भूमि पे है वो तो निशानदेही के बाद ही पता लग पाएगा। तो फिलहाल जैसा मैंने पहले बताया था कि हमने निशानदेही के लिए अप्लाई किया हुआ है और इस निशानदेही के लिए हमने नायब तहसीलदार साहब से प्रार्थना की है। तो अगले सप्ताह यदि मौसम ठीक रहता है तो शुक्रवार और शनिवार को निशानदेही कर दी जाएगी, परंतु यह इस निशानदेही में बाकी बन्नेदारों को भी शामिल किया गया है और यह निशानदेही सिर्फ गोरख डिब्बी के साथ ही नहीं है अपितु मंदिर की बाउंड्रीज देखने के लिए, मंदिर की भूमि की बाउंड्रीज देखने के लिए सभी बन्नेदारों के साथ है। अगर मौसम साफ रहा तो आगामी सप्ताह में शुक्रवार या शनिवार को निशानदेही करवा दी जाएगी। PRTV के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।